अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, हदीस के आज के सबक में हम हदीस नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए। अन उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 नमाज़ें हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खम्सु सलावातिन इफ्तरज़हुन्नल्लाहु ताला, 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं। जिसने मन अहसन वज़ू अहुन्ना वसल्लाहुन्ना लिवक़्तिहिन्ना, जिसने उनके लिए अच्छी तरह वज़ू किया और ठीक वक्त पर उनको पढ़ा, व अतम रुकू अहुन्ना व खुशू अहुन्ना, और रुकू सुजूद भी जैसे करने चाहिए वैसे किए और खुशू की सिफ्त के साथ उनको अदा किया, कान लहु अलल्लाहि अहदुन, तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है इस शख्स के लिए, अन यग़फिर लहु, कि वो इसको बख्श देगा, व मन लम यफ़अल, और जिसने ऐसा नहीं किया, फ़लीस लहु अलल्लाहि अहदुन, उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, इन शा गफर लहु, अगर अल्लाह चाहे तो उसको बख्श देगा, व इन शा अज़ाबहु, और अगर अल्लाह चाहे तो उसको अज़ाब देगा। मतलब यह है अज़ीज़ तलबा कि जो साहिब ईमान एहतमाम और फ़िक्र के साथ नमाज अच्छी तरह अदा करेगा तो अव्वल तो ख़ुद गुनाहों से परहेज़ करने वाला होगा, और अगर शैतान या नफ्स के फरेब से किसी कभी उससे गुनाह हो भी जाता है तो नमाज की बरकत से उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिलती रहेगी। तो अल्लाह ताला बिल आखिर इंशाअल्लाह इसको माफ़ फरमा देंगे, और जिसने इसके बरक्स किया तो वो सख्त ख़तरे में है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अरअईतुम लौ अन्ना नहरन, क्या तुम देखते हो कि अगर बेशक नहर हो तुम में से किसी एक के दरवाज़े पर, यग्तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसन, हर रोज़ उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करता हो, हल यबका मिन दरनी ही शैयुन, तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रहेगा? कालू, सहाबा ने अर्ज़ किया, ला यबका मिन दरनी ही शैयुन, उस कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। पाला फ़ज़ालिका मसलु सलावातिल खमसी, अफ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल नमाज़ों की है, यमहुल्लाहु बिहिन्न अलखताया, अल्लाह ताला इनके ज़रिए से ख़ताओं को मिटा देता है। अज़ीज़ तलबा, जब इंसान नमाज में मशगूल होता है तो उसकी रूह गोया के अल्लाह ताला के बहरे जलाल और जमाल में गोताज़न होती है। जिस तरह मैला कुचैला और गंदा कपड़ा दरिया की मौजों में पड़ कर साफ़ हो जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के जलाल और जमाल के अनवार की मौजें उस बंदे के सारे जिस्मानी रूहानी मैल कुचैल को साफ़ कर देती हैं। जिस्मानी से मुराद के ज़ाहिर बातिन के अल्लाह ताला आमाल अच्छे कर देते हैं, गुनाहों से अल्लाह मुआफ़ कर देते हैं। अन अबी दर्रिन रज़ी अल्लाह ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, खरज ज़मन शिताई, सर्दी के अय्याम में निकले, वलवरक़ु यतहातफ़ु, और दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे, फ़अख़ज़ा बिग़ुस्नैनि मिन शजरतिन, अफ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो टहनियों को पकड़ा, क़ाला, अफ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़जअला ज़ालिकल वरक़ु यतहाफ़तु, अफ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अबू ज़र, हाँ, आपने दरख्त की दो टहनियों को पकड़ा तो इसके बाद देखें कि एकदम उसके पत्ते झड़ने लगे। क़ाला, अफ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
या अबा ज़र्रिन, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला, कुल तो लब्बई का, मैंने अर्ज़ किया लब्बई किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दल मुस्लिम, कि बेशक मोमिन बंदा, लयुसल्लिस सलाता, अलबत्ता नमाज़ पढ़ता है, युरीदु बिहा वजहल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ततहातफु अन्हु ज़ुनूबहु, तो उसके गुनाह भी ऐसे ही झड़ते हैं उससे, कमा तहातफु हादल वरक अन हादी शजराती, जैसा कि इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि जिस तरह आफ्ताब की शुआएँ और मौसम की ख़ास हवाओं ने इन पत्तों को खुश्क कर दिया है, अब ये मामूली सा झोंका भी आए, ज़रा सी हरकत भी हो तो ये पत्ते झड़ने लग जाते हैं। इसी तरह जब मोमिन बंदा पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला के अनवार की शुआएँ और रहमत इलाही के झोंके इससे गुनाहों की गंदगी को इसी तरह ही ख़त्म कर देते हैं। अन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन इम्रा मुस्लिमिन, के नहीं है कोई मुसलमान आदमी, तहज़ुरुहु सलातुम मक्तूबतुन, के फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो जाए, फ़युहसिनु वुज़ूअहु, उसके लिए वो अच्छी तरह वज़ू करे, वख़ुशूअहु वरुकूअहु, और उसके पूरे खुशू और पूरे रुकू सुजूद के साथ नमाज अदा करे, इल्ला कानत, मगर ये के कानत कफ़ारतन लीमा क़बलहा मिन ज़ुनूबी, तो वो नमाज उसके वास्ते पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, मालम युति कबीरतन, जब तक कि वो किसी कबीरा गुनाह का इरतकाब ना करे, वज़ालिका दहरा कुल्लहू, और ये उसको हमेशा हमेशा हासिल होती रहेगी, यानी नमाज की बरकत उसको हमेशा हमेशा हासिल होती रहेगी। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि नमाज की ये तासीर और बरकत है कि वो सबका गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। अगर गुनाह कबीरा हो जाए तो इसकी नहुसत गलीज़ होती है, इसके नापाक असरात इतने गहरे होते हैं जिनका इजाला सिर्फ तौबा ही से हो सकता है। अल्लाह ताला चाहें तो बग़ैर तौबा के भी माफ़ कर दें, वो तो कादिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने वाला बनाए और सही सही खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।